जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा प्रचार के आखिरी दिन यानी कि 16 सितंबर को जारी हुआ। केंद्र शासित प्रदेश में 18 सितंबर को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 का जिक्र नहीं है। ये वो मुद्दा रहा जिस पर कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां मुखर रही। कांग्रेस की सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अपने मैनिफेस्टो में इसकी जगह दी है। श्रीनगर में घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने राज्य का दर्जा वापस दिलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस और उसके सहयोगियों को वोट देकर अपना अधिकार प्राप्त कर लेंगे। किसी और को वोट देने का मतलब होगा कि भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा। घोषणा पत्र जारी करते हुए पवन खेड़ा के साथ जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रमुख तारिक हमीद भी उनके साथ मौजूद थे। दरअसल अगस्त 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा निरस्त किए गए अनुच्छेद 370 की वापसी पर कांग्रेस के नेतृत्व में चुप्पी बनाई रखी है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी पिछले महीने कश्मीर दौरे के दौरान इस विषय पर बोलने से परहेज किया। यही ने भारत जोड़ो यात्रा जब खत्म हुई थी तब भी राहुल गांधी इस पर सवाल किए गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इसके अलावा पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी कांग्रेस ने 370 पर कुछ भी नहीं कहा था। अभिषेक मनु सिंघवी, पी चिदम्बरम जैसे नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए अपना प्रयास जारी रखेगी। अब बात जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के चुनावी वादों की करें तो पार्टी में नौकरियां, सरकारी अनुबंधा, भूमि आवंटन के लिए जम्मू कश्मीर के निवासियों को पहली प्राथमिकता देने का वादा किया गया। 1 लाख खाली सरकारी नौकरियों को भरने का वादा करने के अलावा कांग्रेस ने 1 साल में युवाओं को 3500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया। उच्च शिक्षा के लिए कांग्रेस ने कहा कि वो प्रवेश प्रक्रिया पर पुनर्विचार करेगी। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था और साथ ही जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विभाजित कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने तब संसद मोदी सरकार के इस कदम का विरोध किया था। 6 अगस्त 2019 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जिस तरह से 370 को हटाया उस पर सरकार पर हमला बोला था। तो वहीं पर CWLUC ने तर्क दिया है कि अनुच्छेद 370 1947 में जम्मू कश्मीर में भारत के बीच विलय पात्र की शर्तों की संवैधानिक मान्यता थी। CWLUC ने आगे कहा कि ये तब तक सम्मान के योग है जब तक कि सभी वर्गों के लोगों के परामर्श के बाद और सख्ती से नियमों के अनुसार इसमें संशोधन नहीं किया गया। 4 अगस्त 2019 को PDP और कांग्रेस सहित जम्मू कश्मीर की अन्य पार्टियों ने श्रीनगर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के आवास पर मुलाकात की। उन्होंने अनुच्छेद 370 के बचाव पर एक संयुक्त बयान जारी किया। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के 1 साल के बाद कांग्रेस सहित इन दलों के नेताओं ने फिर से मुलाकात की है और उसमें ये कहा गया है कि वो 370 की बहाली के प्रयास करेंगे। हालांकि नवंबर 2020 में कांग्रेस ने कहा कि वो गुपकार गठबंधन का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस का ये बयान तब निकलकर सामने आया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि गठबंधन कांग्रेस के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर को आतंक और उथल पुथल के योग में वापस ले जाना चाहते हैं। शाह ने इसे अपवित्र गठबंधन बताते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि विदेशों की ताकत जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप करें। तब से कांग्रेस अध्यक्ष 370 पर अपने रुख को लेकर अलर्ट है। शायद जनता के मूड को भांपने और कई नेताओं के विचारों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी स्थिति में बदलाव किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।